नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अविवाहित हिंदू लड़की अपने पिता से मेंटेनेंस का दावा कर सकती है या नहीं। यदि पति और पत्नी आपस में तलाक लेकर के एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, लेकिन जो बच्चों के लिए मेंटेनेंस होता है वह अलग प्रकार से पिता को अपने बच्चों को देना पड़ता है, यदि पति और पत्नी अलग रह रहे हैं। तो आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट बताऊंगा कि जिस जजमेंट में यह कहा गया है कि एक अविवाहित लड़की तब तक मेंटेनेंस के लिए अपने पिता से दावा कर सकती है जब तक कि वह शादी नहीं कर लेती है और जब तक कि वह सक्षम नहीं हो जाती है कि वह स्वयं कमा करके अपने खर्चे खुद उठाए। तो वह क्या है केस और उस केस में क्या कहा गया है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2020 में एक केस आया और उस केस पे सुनवाई करते हुए दो जज बेंच ने यह फैसला सुनाया कि यदि अवयस्क लड़की अपने पिता से मेंटेनेंस के लिए दावा करती है तो उसके पिता को मेंटेनेंस का दावा देना ही होगा। यदि उसकी माता ने पहले ही मेंटेनेंस का दावा किया हो सीआरपीसी के सेक्शन 125 में, तो भी वह लड़की हिंदू एडाप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 20 क्लॉज 3 के अंतर्गत अपने पिता से भरण पोषण का या फिर मेंटेनेंस का दावा करने की अधिकारिता रखती है। केस का नाम है अभिलाषा वर्सेस प्रकाश। इसमें प्रकाश की लड़की ने अपने पिता से मेंटेनेंस के लिए दावा किया तो उसके पिता ने उस दावे के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 482 के अंतर्गत हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पहले ये फैसला दिया गया था कि पिता को उस बच्ची को मेंटेनेंस देना होगा। तो लेकिन इस पर पिता ने 482 के अंतर्गत हाईकोर्ट में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के उस डिसीजन को चैलेंज किया गया था और साथ ही साथ उस मेंटेनेंस को क्वेश्चन करवाने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने उस मामले में प्रकाश के पक्ष को सही ठहराया और मेंटेनेंस के दावे को रद्द कर दिया। तो इस पर उस लड़की ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के दो जज बेंचों में शामिल अशोक भूषण और एस रेड्डी ने यह फैसला सुनाया कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत यदि माता ने पहले ही दावा किया हो मेंटेनेंस का तो भी उस बच्ची का राइट बनता है कि वो अनमैरिड है और वह अपने पिता से भरण पोषण का अधिकार रखती है हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 20 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत, क्योंकि यह एक बृहद और एक बहुत ही सकारात्मक रूप से यह सेक्शन है और इसमें उस बच्ची का पूरा अधिकार है कि वह अपने पिता से तब तक मेंटेनेंस का दावा कर सकती है जब तक कि वह स्वयं सक्षम न हो, कमाने योग्य न हो या फिर उसने विवाह नहीं कर लिया है। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस अवयस्क हिंदू लड़की के पक्ष में फैसला सुनाया। यहाँ पर इस अपील को, यानी जो फादर की तरफ से जो अपील की गई थी, उसको डिसमिस कर दिया गया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा। आपको इस केस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस केस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।